अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और साथ में घंटा बजाना मत भूलिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं विकी सिंह, टेक्नोवी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ लेटेस्ट टेक न्यूज़ से। दोस्तों, जो कि WhatsApp की तरफ से आ रही है, WhatsApp का एक लेटेस्ट अपडेट आने वाला है जिससे आप किसी भी तरह की APK फाइल जितनी मर्जी बड़ी हो, जिस तरह पहले होती थी 16 MB की अगर फाइल होती थी 16 MB की, सो वो ही अपडेट होती थी, उससे बड़ी फाइल अपडेट नहीं हो पाती थी। सो अब से एक नया अपडेट आएगा WhatsApp पे जिससे आप जितनी मर्जी बड़ी फाइल हो, चाहे वो APK फाइल हो, जिस तरह की मर्जी हो, तो आप किसी भी यूजर्स को अगले मतलब किसी भी फ्रेंड्स को आप आगे सेंड कर सकते हैं। यार बहुत बढ़िया चीज़ निकाली है WhatsApp ने जो ये अपडेट निकाला है। सो चलिए देखते हैं अब जब ये अपडेट होता है। कईयों के फोन्स में ये हो भी चुका है, आप देख सकते हैं, आप किसी आपके किसी फ्रेंड के फोन में भी ये अब देखोगे, सो ये चल रहा होगा। सो बस आप थोड़ी देर वेट कीजिए और ये अपडेट आपको जल्दी ही आ जाएगा WhatsApp की तरफ से। बाकी आप प्ले स्टोर में चेक कर सकते हैं, प्ले स्टोर में भी आपको ये जल्दी ही मिल जाएगा। अगली टेक्निक दोस्तों जो कि Honor की तरफ से आ रही है, आज इंडियन मार्केट में Honor 8 Pro लॉन्च हो गया है। ज़्यादा तो कंपनी ने अभी तक इसके स्पेसिफिकेशन बारे में नहीं बताया, प्राइस भी अभी इसकी लीक नहीं हुई, वैसे लॉन्च हो गया है, अभी कंपनी की तरफ से कुछ नहीं आया। मार्केट में अगर हम देखेंगे तो क्या होता है, अभी तक ये भी नहीं बताया गया कि ये कौन सी मार्केट में मिलेगा, बस इतना बताया कि हेडलाइन यही है कि ये लॉन्च हो गया है। स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो 4000 mAh की इसमें बैटरी दी गई है, 6 GB रैम है, Kirin 960 कोई प्रोसेसर है, 128 GB इंटरनल स्टोरेज और 256 GB तक का माइक्रो SD कार्ड स्लोट एक्सेप्ट करता है ये। 12 MP का बैक कैमरा है, 8 MP का फ्रंट कैमरा है और 7.0 NOVGAT का इसमें एंड्रॉयड होगा जो कि आउट ऑफ बॉक्स होगा। बाकी बताया जाए तो स्क्रीन के मामले में 5.7 इंच की क्वाड HD की LTPS की इसमें डिस्प्ले दी गई है और कोई अभी तक कंपनी ने इसके बारे में नहीं बताया। और अभी इसके ऑनलाइन फ़ोन्स ही मेरे हिसाब से मिलते हैं, ऑफलाइन मार्केट में तो अभी मैंने कभी फ़ोन देखे नहीं, क्योंकि इन फोन्स का थोड़ा अपना एक अलग स्टैंडर्ड है, जैसे कूलपैड, Honor, रेडमी। सो किस तरह इसकी अभी मार्केट में रेटिंग होगी, अच्छा चलता है, प्राइस के मामले में सबसे बैटर करता है, इसमें मैटर करेगा वो है प्राइस। अगर इसका प्राइस होगा ज़्यादा, सो मैं आपको नहीं कहता कि लीजिए, अगर प्राइस होता है इसका कम, मतलब कि 13-14 हज़ार तक का, सो मैं आपको कहता हूँ, क्योंकि अभी तक इसका ये नहीं पता कि Kirin प्रोसेसर कौन सा है, 960 Kirin प्रोसेसर, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर हम देखते हैं M.Tech का चलता है ज़्यादातर या Snapdragon चलता है। सो उस मामले में देखा जाए तो अभी मैं आपको नहीं कहता कि आप ये फ़ोन लीजिए या इसका ध्यान दीजिए कोई, अगर मार्केट में आने दीजिए, चलने दीजिए, अभी हफ्ता दो हफ्ता वेट कर लेंगे फिर देखते हैं। टेक न्यूज़ की बात की जाए दोस्तों, सो वो Redmi 4 की तरफ से आ रही है, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ही है आज फ़ोन Redmi 4। आगे से अब से मतलब ये फ़ोन है जो वो ऑफलाइन मार्केट में भी अवेलेबल है, मतलब आपके नियर बाय किसी भी स्टोर पे आप ये फ़ोन ले सकते हैं। मैंने भी लिया था 5 दिन में, मेरे को मैं प्री ऑर्डर कराया था, 5 दिन बाद इसकी होम डिलीवरी घर पे हो गई है। फ़ोन बहुत अच्छा है, कई मेरे फ्रेंड्स और कई व्यूअर्स भी मेरे को जो बार बार मैसेजेस कर रहे हैं कि रेडमी नोट 4 और रेडमी 4 में मतलब क्या डिफरेंस है, क्या मतलब अच्छा है। सो जो मैंने ये वेरियंट बुक कराया अपने, ये है 2 GB रैम और 16 GB इंटरनल, बट वो भी मतलब सही है, पिक्चर क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। मैं आपको कल ही इसका रिव्यू दूंगा Redmi Note 4 का और Redmi 4 का, और आपको अपलोड भी कर दूंगा। सो आप लोग हैं तसल्ली कीजिए, पहले देख लीजिए रिव्यू मेरा अच्छी तरह से, मैं पिक्चर क्वालिटी सब कुछ बताऊंगा, फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपने Redmi Note 4 लेना है या Redmi 4। सो आपके सामने ही है मेरे हाथ में, ये बहुत अच्छा फ़ोन है, मैंने हाथ में भी है मतलब पकड़ा हुआ है, कोई मतलब डर नहीं है कि ये गिर जाए या मतलब हाथ से स्लिप हो जाए, अच्छा फ़ोन है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। सो चलिए अगली टेक न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली टेक न्यूज़ दोस्तों जो कि इंस्टाग्राम की तरफ से आ रही है, इंस्टाग्राम में भी अब जल्दी से एक अपडेट आने वाला है, जिस तरह हम आप देखते हैं स्टोरीज आती है उसमें अगर हम लाइव होते हैं, सो अब वो थोड़े टाइम के लिए होती है, मतलब जैसे 12 आवर्स के लिए, बट जो हम लाइव होते हैं वो बस तभी, तो जैसे हम वीडियो एंड करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो एक घंटा में दिखाता है, उसके बाद वो बंद हो जाती है। अब से वो 24 आवर्स होगी, मतलब 24 आवर आप लाइव हो गए इंस्टाग्राम पर, उसके बाद इंस्टाग्राम पर मतलब आपको जैसे कमेंट्स आते हैं तो आप उसको 24 आवर्स तक उसका रिप्लाईज भी दे सकते हो। बाकी अगर ये अपडेट आता है किस तरह चलता है लोगों को पसंद, वैसे तो इंस्टाग्राम के अपडेट्स अच्छे ही होते हैं, व्हाट्सएप पे भी अब तो स्टोरीज आने लग गई है, सो व्हाट्सएप के भी अब देखते हैं अब अगले अगर अभी अपडेट देता है तो किस तरह का होता है। बाकी इंस्टाग्राम को भी शुभकामनाएं और जल्दी से जल्दी अपडेट आए, हम इसका फायदा उठा सके और इन्जॉय कर सके इसका इंस्टाग्राम का लेटेस्ट अपडेट। अगली टेक न्यूज़ दोस्तों जो कि वीवो की तरफ से आ रही है बस वीवो की तरफ से, वीवो कुछ भी, बट चलिए हम गौर करते हैं। अब आईफोन आ रहा है सितंबर में, उसमें फीचर होगा कि टच में फिंगरप्रिंट सेंसर है। 28 जून को एक इवेंट लॉन्च होगा जो कि शंघाई में होगा और उसमें वीवो अपना एक फ़ोन रखेगा जो कि नेशनल कांग्रेस की तरफ से होगा, वर्ल्ड कांग्रेस की तरफ से स्मार्टफोन होगा जिसमें आप वीवो अब लॉन्च करेगा। इसमें हम देख सकते हैं सर, आपको स्क्रीन में मैंने पिछली बार भी दिखाया था और इस बार भी अब कन्फर्म हो गई है ये बात
कि वीवो अपनी स्क्रीन में फिंगरप्रिंट सेंसर देगा, बिल्कुल जिस तरह एप्पल आईफोन की बात आ रही थी। सैमसंग भी ट्राई कर रहा था बट सैमसंग का वो सही नहीं चल रहा था, सो उसने बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है। सो अब दुनिया का पहला भी ये फ़ोन होगा जिसकी स्क्रीन में फिंगरप्रिंट सेंसर होगा, बस आप किसी बटन में नहीं, कोई बैक में नहीं, बस आप स्क्रीन में टच करेंगे, अपना फिंगर लगाएंगे और वो ऑन हो जाएगी। सो देखते हैं जो कि वीवो की तरफ से आता है किस तरह का फ़ोन होता है। वीवो को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं है। सो चलिए अगली टेक न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली टेक न्यूज़ दोस्तों जो कि वन प्लस 5 की तरफ से आ रही है, कल ही ये फ़ोन अमेज़ॉन पे अवेलेबल हुआ था और कल ही आउट ऑफ स्टॉक भी हो गया, पर अमेज़ॉन की तरफ से अच्छी खबर आ रही है कि अगर आप लोग ये फ़ोन लेना चाहते हैं तो ये कई सिटीज़ में आपसे इसका जो पॉप अप स्टोर है, वन प्लस का ये अपना स्टोर्स होते हैं पॉप अप, वहाँ पे मतलब ऑफलाइन स्टोर्स हैं, मतलब आपके घर के आसपास भी हो सकता है। पर आपको मैं ये भी बता दूँ कि ये इन शहरों में ही होगा, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलोर। सो अगर आप इन शहरों में रहते हैं और आपके घर के पास पॉप अप स्टोर है वन प्लस 5 का, सो 27 जून से पहले पहले आप वहाँ से भी ये फ़ोन ले सकते हैं। सो अगर आप इस शहर में रहते हैं सो जरूर लीजिए वहाँ पर जाकर, अगर आप इंटरेस्टेड है। फ़ोन मेरी तरफ से पूरी पूरी शुभकामनाएं वन प्लस 5 को, मतलब फ़ोन अच्छा है यार, एक फ्लैगशिप फ़ोन है, अच्छे फीचर्स हैं, सो जरूर देखिए। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, अभी भी मैं जिस तरह आपको कल बोला था कि मैं अपने कई फ्रेंड से भी बात कर रहा हूँ कि मैं रिव्यू, शायद मैं रिव्यू दे सकूँ आपको इस फ़ोन का भी, काफ़ी बातें कर रहा हूँ। बाकी वन प्लस 5 को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली टेक न्यूज़ दोस्तों जो कि कार्बन की तरफ से आ रही है, आज इंडियन मार्केट में कार्बन ऑरा नॉट 2 लॉन्च हो गया है। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो 6,490 रुपये में ये फ़ोन है। स्पेसिफिकेशन भी इसकी लीक हुई है, जो कि स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो 5.5 इंच की HD की डिस्प्ले है, फुली HD नहीं है। 1.2 GHz का क्वाड कोर का प्रोसेसर है, वो कौन सा प्रोसेसर है वो उन्होंने नहीं बताया, एमटेक का है, स्नैपड्रैगन तो ये देते ही नहीं, बिल्कुल छुपा के रखा गया है कि सरप्राइज़ है, आप फ़ोन लोगे आपको सरप्राइज़ मिलेगा कि इसमें ये प्रोसेसर आया। 2 GB की रैम है, 16 GB इसकी इंटरनल स्टोरेज है, 32 GB तक का आप इसमें मतलब एक्सपेंडेबल जो इसकी मेमोरी बढ़ा सकते हैं किसी भी मेमोरी कार्ड से। 7.0 का 9GHz का आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉयड मिलेगा इसमें। बैक कैमरा 13 MP का होगा, फ्रंट कैमरा 5 MP का होगा। 2900 mAh की बैटरी है, बस कार्बन इतना ही। आपको मैं एक बात बताता हूँ यार, मेरे को बहुत लोग बोलते हो, मेरे कई फ्रेंड्स भी मेरे को कमेंट्स करते हैं, काफ़ी व्यूअर्स भी कमेंट करते हैं, आप लोग भी मेरे को कमेंट करते हो कि आप लोगों की यार कोई दुश्मनी है माइक्रोमैक्स कार्बन से या और भी कई फ़ोन्स की। यार देखो, हमें ना बेइज्जती नहीं है, हमें बहुत उम्मीद है इन कंपनी से, क्योंकि ये ब्रांड है, ये इंडियन ब्रांड है। हमें होता है कि यार इंडियन ब्रांड क्यों नहीं अच्छा सकता। देखिए अब चाइनीज़ कंपनी है वीवो, ओप्पो, शाओमी, या ये इतने कम रेट में इतना अच्छा स्पेसिफिकेशन हमें दे सकती है, सो हमारी अपनी लोकल कंपनी हमें क्यों नहीं देती। अब देखिए प्रोसेसर पता ही नहीं कुछ भी, बिल्कुल मतलब ना सरप्राइज है आपको, जैसे ये फ़ोन आएगा सरप्राइज मिलेगा, ये प्रोसेसर है इसमें। सो यार ये लोग क्यों नहीं अच्छा दे सकते, हमें इनसे उम्मीद होती है, सब कुछ होता है पर, लेकिन कंपनी कॉपी, माइक्रोमैक्स चलो कॉपी मारता, अगर वो अच्छी स्पेसिफिकेशन दे हमें अच्छे रेट पे, सो क्या है यार मारा है हमें, बट कार्बन तो। चलिए अगली टेक न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। न्यूज़ दोस्तों जो कि फिर से शाओमी की तरफ से आ रही है, शाओमी रेडमी 4, रेडमी नोट 4 और रेडमी 4A अब से प्री ऑर्डर बुकिंग पे अवेलेबल है शाओमी की वेबसाइट पे। इसमें क्या होता है, आपको पैसा पहले देना पड़ता है मतलब, और 5 दिन के बाद आपको फ़ोन, जैसे मैंने भी अपना ये रेडमी 4 है ये वहीं से मंगाया है, सो प्री ऑर्डर कराया था और बाद में ये फ़ोन 5 दिन में आ गया। सो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो, मेरी तरफ से फ़ोन बहुत अच्छे हैं, सो अगर आप लेना चाहते हैं सो अब से प्री ऑर्डर बुकिंग पे भी अवेलेबल है। और बाकी अगर आपको मिलता है ऑफलाइन मार्केट में भी आपके नियर बाय किसी भी मोबाइल स्टोर में, सो आप वहाँ से भी ले सकते हो, क्योंकि वहाँ से आप मतलब पूरी तरह फ़ोन में तसल्ली कर सकते हैं आप स्पेसिफिकेशन की भी और चला के भी पूरी तरह फ़ोन को। सो अगर आप लेना चाहते हैं सो जरूर लीजिए। सो चलिए दोस्तों आज की टेक न्यूज़ में बस इतना ही। अभी मैं टेक न्यूज़ दे ही रहा था और मेरा कज़न आ गया, सो ये भी काफ़ी मेरे को सपोर्ट करता है यूट्यूब चैनल के मामले में। कोई मेरे को जैसे प्रॉब्लम होती है, मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग मेरे को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मेरे को बताइए कि मैं किस तरह के फैक्ट्स दे सकूँ। ये भी मेरे को काफ़ी मेरी हेल्प करता है, काफ़ी कमेंट्स भी करता रहता है कि यार भैया इस तरह के करो, इस तरह करो। सो यार थैंक यू आपका भी। सो आज की टेक न्यूज़ में दोस्तों बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की टेक न्यूज़ पसंद है, इसी तरह आपका सपोर्ट मिलता रहे। सो चलिए एंजॉय कीजिए लाइफ को भी और मेरा चैनल प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट कीजिए।